सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 साइंस का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर से रिलेटेड, और इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना के अपलोड कर दिया हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यार इससे पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको वैलेंसी कैलकुलेट करना सिखाया, 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के पीरियोडिक एटॉमिक नंबर याद करना बताया, उसके मास कैसे याद करते हैं वो सिखाया, वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो भी मैंने सिखा दिया है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर देखना, तभी आप ये वीडियो को देखना। ठीक है, तो यार आज इस वीडियो में मैं आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने सिखाने वाला हूँ। ठीक है, किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, लाइक वाटर, वाटर को हमेशा H2O ही लिखते हैं। ठीक है, क्यों O2H क्यों नहीं लिखते हैं, है ना? तो H2O ही क्यों लिखते हैं वाटर को? वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O ही क्यों है? कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO2 ही क्यों है भाई, C2O क्यों नहीं है, है ना? तो ये सब चीज को देखेंगे। ये केमिकल फॉर्मूला अपने से किसी ने नहीं लिख दिया, इसके पीछे का लॉजिक्स है लिखने का, तो वो लॉजिक, वो फॉर्मूला, वो अपन देखने वाले हैं आज की वीडियो में। हम सीखेंगे किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, बट उससे पहले अपन रूल्स वगैरह पढ़ेंगे कि बनाने का ये रूल्स क्या क्या हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस के वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब भी अपन आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इस चैप्टर का नोट्स, क्विक रिवीजन नोट्स चाहिए आपको, या फिर इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज चाहिए, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.edugrown.in पे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो यार आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और हम प्रीवियस में काफ़ी सारे टॉपिक को इस चैप्टर से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। आखिरी जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने वैलेंसी कैलकुलेशन करना सीखा था, 1 से लेकर 20 तक के जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब की वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करने मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाया था। नाउ आज अपन केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं, लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S ही क्यों लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 ही क्यों लिखते हैं, और वाटर को H2O ही क्यों लिखते हैं, ये H2O ये केमिकल फॉर्मूला बन कैसे रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो यार शुरुआत करेंगे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो केमिकल फॉर्मूला जरा समझते हैं पहले ये होता क्या है। तो नाउ इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के कंपोजिशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कराने के लिए हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। लाइक वाटर, वाटर एक कंपाउंड है, उसको केमिकली अगर मुझे किसी को दिखाना है तो मैं वाटर को वाटर लिख के नहीं दिखाऊंगा, उसको हम केमिकल फॉर्मूले की हेल्प से सैम्बल्स के टर्म में दिखाएंगे। लाइक केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वाटर का, H2O, है ना? तो अब इसमें वाटर को हम ऐसे तो नहीं दिखा सकते ना किसी को कि यार सर 2 H+1O ऐसे तो दिखा नहीं सकते। तो अपन सैम्बल का हेल्प लेते हैं जिससे अपन आराम से दिखा सकते हैं, लाइक H2O इस तरीके से दिखा देते हैं, है ना? तो ये सैम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन को ही केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखो, इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल फॉर्मूले के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। पहला, द वैलेंसी और चार्ज ऑन आयन मस्ट बैलेंस। पहली चीज़, जो वैलेंसी है और जो चार्ज होते हैं किसी भी आयन्स के वो बैलेंस्ड होने चाहिए। दूसरा है, व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ मेटल और नॉन मेटल द सैंबल ऑफ मेटल कम फर्स्ट, एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर ऑक्साइड। इसमें क्या बोल रहा है कि जब भी आप कोई केमिकल फॉर्मूला बनाओगे तो अगर मेटल और नॉन मेटल से कोई कंपाउंड बना होगा तो केमिकल फॉर्मूला जब लिखोगे तो हमेशा मेटल को पहले लिखना है, उसके बाद आपको नॉन मेटल का लिखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर Na है, सोडियम है और क्लोरीन है। जब मैंने केमिकल फार्मूला बनाऊंगा इसको, तो मैं इसको मान लो गलती से Cl और Na लिख दूंगा और बोल दूंगा अरे सर ये तो इधर का उधर है, बात तो एक ही है, तो ये गलत हो जाएगा, दिस ये गलत फार्मूला है। एक्चुअल में सल्फर क्या है, हमारा मेटल है, तो मेटल को पहले लिखेंगे, क्लोरीन इज नॉन मेटल तो पीछे लिखेंगे, तो बन जाएगा फार्मूला NaCl, दैट इज द राइट फार्मूला। मेटल को हमेशा पहले लिखेंगे, नॉन मेटल को बाद में लिखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, व्हेन पॉलीएटॉमिक आयंस आर यूज्ड द आयंस आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू शो द रेशियो। जब भी पॉलीएटॉमिक आयंस आ जाएंगे, ऐसे ऐसे आयंस जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के आयन हो, ठीक है,
उससे पहले जरा मैं आपको यहां पे समझाता हूं मोनो एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, जरा देख लो। ऐसे आयंस जो सिंगल टाइप के उससे बने होते हैं, ठीक है, सिंगल पार्टिकल से बने होते हैं, आयंस मेड बाय सिंगल पार्टिकल से बने हुए, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, है ना, और आपका एल्यूमिनियम, दैट आर द मोनोएटॉमिक आयंस। वहीं पे हम पॉली एटॉमिक आयन बोलेंगे, पॉली एटॉमिक आयन की बात करेंगे। तो पॉली एटॉमिक आयंस जो होते हैं, ये आयंस मेड बाय मोर देन वन एटम पार्टिकल्स, ठीक है, आयंस मेड बाय मोर देन वन पार्टिकल, है ना। एग्जाम्पल हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट आयन, ये सब, ठीक है, नाइट्रेट हो गया, NO3 नाइट्रेट आयन्स। ये देखो, ये जो आयन्स है वो एक से ज़्यादा पार्टिकल से, लाइक ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ऐसे आयन्स को अपन पॉलीएटॉमिक आयन्स कहते हैं। क्लियर है। अब इनको जरा समझो, इनको नेमिंग वगैरह कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा आगे अपन डिस्कस करेंगे। बहुत डीप में आजकल सेशन होने वाला है, कोई नहीं बताने वाला, इतना ज़्यादा डीप में जाके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज के सेशन को, ठीक है। नाउ यार आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, ओके। इससे पहला पॉइंट था, पॉलीटॉमिक आयन जब भी आया तो उसको ब्रैकेट में लिखना, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, याद रखना। नाउ अब देखो इसको रूल्स क्या है, इसका रूल को जरा देखा जाए, तो देखो क्या कह रहा है, जब भी आयंस लिखना है इसके रूल्स को, कह रहा है कि वी फर्स्ट राइट सैम्बल ऑफ एलिमेंट विच फॉर्म कंपाउंड, लाइक वाटर का मैं बनाने जा रहा हूँ केमिकल फॉर्मूला, तो सबसे पहले कह रहा है कि सैम्बल लिखिए। तो ये मैंने सैम्बल यहाँ पे लिख के, अब वाटर हाइड्रोजन से बना होता है और ऑक्सीजन से, तो इस तरीके से मैंने सैम्बल लिख कर एच और ओ दूर दूर लिख दिया। बिलो द सैम्बल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी, इसकी वैलेंसी लिखना है, तो मैं यहाँ नीचे में इसकी वैलेंसी लिख दूंगा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ठीक है। अब ये कैसे आया भाई यार वैलेंसी, तो देखो हाइड्रोजन वैलेंसी देखते हैं पहले। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है कितना भाई, 1 होता है, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी वैलेंसी जो है वो भी हो जाएगी 1। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के का एटॉमिक नंबर होता है 8, है ना, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है, पहले जो ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल है ना, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 एंड फोर्थ वन में 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो पहला इलेक्ट्रॉन के सेल हो गया, ये मैंने बना रहा हूँ एल, ठीक है, ये हो गया एम, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें भर देता हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन बचा तो मैं इसमें भर देता हूँ, क्योंकि एल की कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, तो मैंने तो 6 ही भरा हूँ, और 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी जो होती है वो हमेशा याद रखना, वैलेंसी किसी भी आयंस की जो वैलेंसी होती है 1 से लेके 4 तक ही होती है, 4 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोल दूं कि यार 6 इसकी वैलेंसी जो है वो 6 हो गई, तो गलत हो जाएगा, वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होता। तो क्या करूँ, कुछ नहीं, 8 में से आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस कर दो, तो डेट इज कितना आ गया, 2, इट मीन्स ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 2, ओके। तो मैंने इसीलिए लिख दिया ऑक्सीजन की वैलेंसी, इधर नीचे लिख दिया 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। अब क्या कह रहा है, नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ कंबाइनिंग एटम, अब क्रॉसिंग बनाते, इसकी वैलेंसी इसको दे दो, इसकी वैलेंसी इसको दे दो, इससे मिलकर बन गया क्या, इसकी वैलेंसी चला तो H2 और ये वो O1, और इसको कैसे लिख सकते हैं, अच्छी तरीके से 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं H2O, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। यही रूल्स हैं, इसी तरीके से सारे के सारे केमिकल फॉर्मूला आपको लिखते जाना है। बट अभी रुको, अभी कुछ ऐसे अभी मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, पॉलीटॉमिक आयन आएंगे तब कैसे उनकी वैलेंसी निकालोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रटना है क्या। तो आपके NCERT बुक में एक टेबल दिया होगा, उसमें कुछ पॉलीटॉमिक आयन लाइक हाइड्रेट, कार्बोनेट, उनकी वैलेंसी भी ऊपर लगी होगी, ठीक है, लाइक
देख लिया जाए NO3 -1 इस तरह, तो आप बहुत टीचर बोलते हैं कि यार उनमें से 8-10 हैं, 9th क्लास में इतनी ज़रूरत पड़ता है, उसको रट लो। भैया मैं रटना नहीं सिखाऊंगा, मैं निकालना सिखाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अभी कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड का बोला है फॉर्मूला बनाओ। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है। तो नहीं पता है फॉर्मूला तो कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन यानी H, क्लोराइड यानी क्या हो जाएगा, क्लोरीन की बात कर रहा है, ठीक है। तो सैंबल लिख कर मैंने यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन, यहाँ लिख दिया क्लोरीन। हाइड्रोजन का वैलेंसी अभी जस्ट निकाल के सिखाया, नीचे में अब वैलेंसी लिखेंगे। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई हमारी 1। क्लोरीन, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर होता है, यानी 17 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो फर्स्ट सेल में 2 डाल देता हूँ, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उतनी कैपेसिटी होती है, तो 8, 2, 10 और बचा 7, तो ये हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। आउटर, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, आउटर मोस्ट में 7 है, 7 वैलेंसी होता नहीं है, तो 8 में से 7 को माइनस कर दो, तो 1 वैलेंसी, यानी क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गई। अब ये दोनों वैलेंसी को एक्सचेंज कर दो, क्रॉस कर दो, तो बन गया HCl, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लियर। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का सर बना के बताओ। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी हाइड्रोजन और सल्फाइड यानी सल्फर की बात कर रहा है। तो सैंबल लिख लिया मैंने, एक तरफ लिख लिया हाइड्रोजन, एक तरफ लिख दिया सल्फर। हाइड्रोजन की वैलेंसी लिख दिया नीचे में वैलेंसी सेक्शन में 1, और जो सल्फाइड है उसकी वैलेंसी 2 कैसे आई, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, यानी 16 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में 2 डाल देता हूँ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 पूरा डाल देते हैं, और 8, 2, 10 बचा 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देते हैं। वैलेंसी 6 तो होगी नहीं, तो 8 - 6 डेट इज 2 वैलेंसी, सल्फर की वैलेंसी 2, वैलेंस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन के पास 2, एच के पास 1, तो H2S इज द रियल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। आगे चलते हैं, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बना है। तो मैग्नीशियम यानी Mg, क्लोराइड यानी क्लोरीन, तो यहाँ पे लिख दिया मैग्नीशियम और क्लोराइड। तो क्लोराइड की वैलेंसी मैंने ऊपर में निकालना बताया, डेट इज 1, ठीक है। और मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम कितने नंबर पे है भाई, मैग्नीशियम कितने नंबर पे है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। पहले सेल में 2, दूसरे सेल में पूरा 8, 8, 2, 10, 11, आखिरी सेल में 2, तो वैलेंसी हो गई मैग्नीशियम की कितनी, 2, तो लिख दिया 2, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया MgCl2 इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ सकते हैं, सर ये प्लस माइनस क्या है। यार ध्यान दो यहाँ पे, अगर मेटल है, मेटल हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है ना, तो यानी मेटल है तो पॉजिटिव आयन होंगे इसके पास, नॉन मेटल है तो उसके ऊपर हमेशा तुमको निगेटिव ही देखने को मिलेगा। मेटल गेन कर, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन कम होगा तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, यानी तो वो मेटल जो है वो पॉजिटिव चार्ज तो करता है। नॉन मेटल है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की पावर बढ़ेगी तो नेगेटिविटी शो करेगा। तो मेटल के ऊपर हमेशा प्लस और नॉन मेटल के ऊपर हमेशा माइनस लगता है। अब कभी देखोगे आप, कभी 2+ कभी 3- लगता है, वो क्यों लगता है, तो वो आगे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ आगे चलिए, अब देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम और ऑक्साइड, एल्यूमिनियम इज मेटल, ऑक्साइड इज नॉन मेटल, सो एल्यूमिनियम की जो चार्ज आएगी वो प्लस में आएगा, ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो माइनस में आएगा, ठीक है। चलो तो भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मैंने अभी पीछे बताया था वैलेंसी निकालना, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2, क्योंकि ये ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो माइनस लगा दिया मैंने। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितने हो जाएगी भाई, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है, यानी 13 इलेक्ट्रॉन, तो पहले में 2, दूसरे में 8, 8, 2, 10, 11, 12, 3 इलेक्ट्रॉन बचा, तो वैलेंसी हो गई 3, तो लिख दिया 3, मेटल है तो प्लस में 3 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया Al2O3 इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम, यानी कैल्शियम और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है कि इसकी भी वैलेंसी प्लस 2 है, इसकी वैलेंसी माइनस 2 है, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, ओवरकम कर गए, एक दूसरे को कट कर दिए, तो इसकी जो फॉर्मूला बन गई CaO इज द रियल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। Ca2O2 मत लिखना, दोनों में 2-2 होती तो एक में प्लस एक माइनस तो कट गया ना, तो बचेगा सिर्फ आपका CaO इज द रियल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कुछ एक नया चीज सीखने को मिला, ऐसा भी होता है क्या सर, होता है। अब आगे एक और नया चीज देखो, फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। तो सोडियम यानी Na, ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्रेट यानी NO3, नाइट्रेट इज द पॉलीएटॉमिक आयन।
तो एने सैम्बल, सबसे पहले सैम्बल लिखना है, तो मैंने यहाँ पे सैम्बल या फॉर्मूला, तो सोडियम का फॉर्मूला सैम्बल लिख दिया Na, और नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला लिख दिया NO3। तो सोडियम की वैलेंसी तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, कैसे? तो सोडियम कितने नंबर पे है भाई, पहले ये बताओ सोडियम कितने नंबर पे है, एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले में दो भर देते हैं, बाकी में 8, 8, 2, 10 बच गया 1, तो ये आ गया 1। तो सोडियम की जो वैलेंसी है 1 हो गई, तो मैंने सोडियम के नीचे 1, सोडियम मेटल है तो प्लस 1 लिख दिया। नाउ अब ये जो पॉली एटॉमिक है NO3, सर इसकी वैलेंसी कैसे निकालें? आने वाले कुछ क्वेश्चन ये देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का Ca हाइड्रोक्साइड यानी OH, दिस इज हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो पॉलीटॉमिक आयन, यार इसकी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करें? सर कैल्शियम का तो कर लेंगे, हाइड्रोक्साइड का कैसे करें? आगे आने वाले और क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट यानी CO3 पॉलीटॉमिक आयन, इसकी वैलेंसी सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना? आगे आने वाले और अमोनियम सल्फेट, सल्फेट की सल्फेट इज ऑल्सो पॉलीटॉमिक आयन, इसकी वैलेंसी सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत टीचर्स आपको क्या बोलते हैं, टेबल दिया हुआ है रट लो उतना ही काम है, बट क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। मैं जरा सिखाता हूँ आपको कि यार ये पॉलीटॉमिक आयंस की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यार पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, जरा देखते हैं, हाउ टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा ये देखो। तो पहले अपन बैलेंस को समझते हैं, बैलेंसिंग को जरा समझते हैं, इसकी बैलेंसिंग के एटम्स की बैलेंसिंग, हर एटम को बैलेंस होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो जो होगा एटम वो बैलेंस कहलाएगा। जैसे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 हो यानी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, आखिरी सेल में बचा 6 तो 6 डाल दिए। अब बैलेंस होने के लिए तो 8 चाहिए ना, आखिरी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 6 ही है, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तभी ये ऑक्सीजन बैलेंस होगा, इसको ही कहते हैं बैलेंसिंग। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसको बैलेंस होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, बाकी जितने हैं सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए आउटर मोस्ट में बैलेंस होने के लिए। बैलेंसिंग क्लियर हो गया, अब चलते हैं, अब अपन हाइड्रोक्साइड आयन को जरा देखते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी निकालते हैं। सबसे पहला हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH, हाइड्रोक्साइड आयन इसकी वैलेंसी क्या होगी? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओ भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का, तो मैंने बीच में बनाया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ, और ये हो गया हमारा क्या सेकेंड सेल, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ, हमारा ये बन गया किसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ऑक्सीजन का है, क्या है भाई ये ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। वहीं मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बीच में न्यूक्लियस, ठीक है, और एक सेल, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है यानी उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए बैलेंस होने के लिए। और ये जो ऑक्सीजन है इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बैलेंस होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन फॉर बैलेंस, हियर रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर बैलेंस, अपने आप को बैलेंस करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को, और ऑक्सीजन को अपने आप को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है। तो यार ये कैसे, कोई भगवान तो दे नहीं देंगे अपने से, या फिर तुम तो जादू कर नहीं दो कि बढ़ गया, तो ये क्या करेंगे, दोनों को साथ में अगर रहना है तो क्यों ना ये अपने आप को इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें और बैलेंस हो जाए, तो ये क्या करेंगे, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। तो देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑक्सीजन, अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब दूसरे स्टाइल में लिख रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर को, तो यार
यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखा देता हूँ। और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है बस उसको वही दिखाऊंगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4, एक इधर लिखता हूँ 5 और इधर बनाता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि दोनों साथ में ही रह रहे हैं ना, तो शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है भाई, रूम एक रूम में हो तो समान शेयर तो कर ही सकते हो, ये लो शेयर कर लिया। अब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, अब इसके पास ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए गिनो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड है बैलेंस होने के लिए ऑक्सीजन को। वहीं हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ने जब शेयरिंग किया तो उसकी फुलफिल, हाइड्रोजन को अब नहीं चाहिए, हाइड्रोजन फुल हो गया, वो बैलेंस्ड हो चुका है, हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो चुका है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इस OH को साथ में रहने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड पड़ेगा, इसीलिए OH की जो वैलेंसी है, OH हाइड्रोक्साइड आयन की जो वैलेंसी है वो हो जाएगी आपका -1। इसीलिए हाइड्रोक्साइड आयन को हमेशा OH -1 लिखते हैं। क्लियर हो गया, एक दो एग्जांपल और करते हैं, प्लस वाले भी कर लेते हैं, उसके बाद अपन फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, नाउ अब देखते हैं सल्फेट आयन, सल्फेट आयन्स को जरा देखते हैं। सल्फेट का आयन होता है SO4, यानी जो सल्फेट आयन है, एक सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन होते हैं, है ना, और ये दोनों अगर साथ में हैं तो इनको बैलेंस रहने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन या तो चाहिए होगा या कुछ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी इनको साथ में रहने के लिए, है ना। जैसे यार पति पत्नी अगर एक साथ रहेंगे साथ में तो बहुत चीज़ रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, अगर आप एज अ सिंगल पर्सन हो तो आपको इतनी सामान की जरूरत नहीं पड़ती है, आप नॉर्मल शेयरिंग करके ज़्यादा थोड़े बहुत सामान में आप रह लोगे, वहीं पर शादी कर लिए, बीबी आ गई, तो फिर बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ना, तो कुछ ना कुछ तो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लाइक डैट। तो सल्फर और ऑक्सीजन को साथ में रहना है तो इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन, तो 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फेट रहेंगे, ठीक है। तो जरा देखा जाए, यहाँ पे भी कुछ बच्चे दिमाग लगा लिए होंगे, सर सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, अबे सालों पढ़ाई कर लो, हर जगह डबल मीनिंग ही चलेगा क्या। चलो तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है पहले ये बताओ मेरे को, तो सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, यानी 16 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे सेल में कितने 8 डाल देता हूँ, 8, 2, 10 बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 डाल देता हूँ, दूसरे वाले में 6 डाल देता हूँ, तो आउटर मोस्ट में 6 है। तो यार देखो सल्फर को भी बैलेंस होने के लिए आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन है ना रिक्वायर्ड, कितने भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए बैलेंस होने के लिए, और ऑक्सीजन को भी बैलेंस होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बैलेंस होने के लिए, बट एक ऑक्सीजन को बैलेंस होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ तो 4-4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस होने के लिए टोटल 8 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, कहाँ से लाएगा भाई सल्फर, कहाँ से देगा इनके 8 इलेक्ट्रॉन, तो देखो इनके कैसे बनेगा। तो मैं पहले बनाता हूँ सल्फर, तो ये मैंने बनाया सल्फर, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन भी बना लेता हूँ ताकि शेयरिंग अच्छे से, एक ऑक्सीजन यहाँ बना देता हूँ, एक इधर, है ना, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर क्या करेगा, एक चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक है। ओके, अगर ऐसे में अगर आप शेयरिंग नहीं बना पा रहे हो, है ना, जैसे लाइक सल्फर के पास सल्फर ने एक एक इसके साथ शेयर कर लिया, एक एक इसके साथ शेयर कर लिया, एक एक इसके, ऑक्सीजन के पास 1, 2, 3, 4 ये 5 और ये 6, 1, 2 ठीक है, ये 3, 4, 5 और ये 6, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 इसके साथ शेयर कर लेगा सल्फर के साथ, एक ये भी एक सल्फर के साथ शेयर कर लिया, 1, 2 ठीक है, 3, 4, 5, 6 ओके, तो सल्फर 1, 2, 3, 4 ही इलेक्ट्रॉन सल्फर ने शेयर किया इनके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है ना, तो इसके साथ शेयर कर सकता है भाई यार, तो इसके साथ शेयर कर लिया, इसके साथ शेयर कर लिया, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑक्सीजन है ये भी बैलेंस हो गया, ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, है ना। अब ये ऑक्सीजन जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ गई, और एक इलेक्ट्रॉन ये जो ऑक्सीजन है इसको भी एक इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ गई, तो यहाँ पे देखा जाए टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की पूरे ओवरऑल साथ में रहने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, देयरफॉर इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी -2 हो जाएगी, इसीलिए जो सल्फेट आयन है हमेशा SO4
टू माइनस या माइनस टू लिखा जाता है, या फिर इस तरह SO4 फोर टू माइनस लिखा जाता है सल्फेट आयन को, इसकी वैलेंसी हो जाएगी माइनस टू। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि देखो यार, अगर आपको ये बनाने नहीं आ रहा है ना, तो ध्यान से देखो, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है लिख लो, प्लस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है तो लिख दो 6। अब ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन वाले को ब्रैकेट में इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा टोटल 30। 6 4 = 24 प्लस 6 = 30, ठीक है। ये टोटल इनको इसका ये जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग टोटल 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, साथ में रह रहे हैं तो 30 इलेक्ट्रॉन्स। बट रियल में क्या चाहिए भाई, तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, तो यानी टोटल इलेक्ट्रॉन 32 चाहिए था, बट यहाँ पे मिल रहा है सिर्फ 30 इलेक्ट्रॉन। SO4 से हमें मिल रहा है सिर्फ 30 इलेक्ट्रॉन, और अगर SO4 को साथ में रहना है तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए रहेगा, इसका मतलब टोटल 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, है 30, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, सो इसकी वैलेंसी लाइक दैट, है ना। एक और एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ आपको, सल्फाइट आयन जरा देख लो, तो सल्फाइट आयन यानी SO3 2- सल्फाइट आयन। अच्छा मान लो अगर ऐसा कभी आपको लिख दे SO4 2- SO3 2- और S3 इस तरीके से 2-, है ना, तो यार इसको पढ़ो कैसे, तो इनमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस में है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इसमें है, तो इसके आगे लगेगा क्या 8, ये सल्फेट आएगा, सल्फेट आयन। अब ऑक्सीजन सल अगर SO4 ये वाले स्ट्रक्चर से कम ऑक्सीजन है, इसमें एक कम है, देन इसको आइट लग जाएगा, सल्फाइट, सल्फाइट कहते हैं इसको, ठीक है, और ऑक्सीजन नहीं है तो इसको सल्फाइड, IDE कहेंगे, सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नेमिंग पढ़ते याद रखना आगे काम आएगा। तो जरा इसको देखो, सल्फाइट आयन दैट इज क्या होता है, सल्फाइट आयन SO3 है ना, बट इस SO3 टू माइनस, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी माइनस टू, कैसे आएगी वैलेंसी इसका देखो जरा, तो इसके देखो ये सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट को 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ये हो गया 6, ये 7, 1 2 3 4 5 6, ओके सॉरी नॉट लाइक दैट, 6 इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करके अपने आप को कंप्लीट कर लिया, ये ऑक्सीजन तो फिल हो गया। अगला जो ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, और सल्फर के फिर से 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आप को ये भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब जो तीसरा ऑक्सीजन है, तीसरा ऑक्सीजन है, उसने वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 और ये हो गया भाई 1 6, इसने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, है ना, और सल्फर का भी एक इलेक्ट्रॉन, सल्फर के भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का बचा रह गया, तो देखा जाए या फिर ऐसे ले लो, है ना, या फिर ऐसे ले लो, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर को चाहिए बैलेंस होने के लिए, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड यहाँ भी है, सो इसकी भी वैलेंसी माइनस 2 हो जाएगी, लाइक डेट, क्लियर। नाउ एक अमोनियम आयन, अमोनियम आयन को जरा देख लिया जाए, अमोनियम आयन की वैलेंसी कैसे निकालते, अमोनिया यानी NH4+1 यानी 1+, इस तरीके से रहता है, यानी इसकी वैलेंसी आपको देखेगी 1+, आपकी इसकी वैलेंसी आएगी, कैसे आएगी इसकी वैलेंसी 1+, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, यानी इसके आउटर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पहले में 2 डाल दो, दूसरे में 5, तो आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने नाइट्रोजन बनाया और 5 इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, तो 1 2 3 4 और एक यहाँ कोने बनाता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी है, 4 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में 1, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, और इसको 5 6 7 8 3 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर्ड है भाई, तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो यानी 4 × 1 इट इज 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो नाइट्रोजन है वो तो 3 ही दे पाएगा इलेक्ट्रॉन, 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा, क्योंकि ये फिर बैलेंस हो जाएगा, और इसको लेकिन 4 चाहिए, तो देखो कैसे शेयरिंग होता है, तो ये देखो, ठीक है, ये हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके खुद बैलेंस हो गया,
एक और हाइड्रोजन इसके भी नाइट्रोजन के एक और इलेक्ट्रॉन को लेके बैलेंस हो गया, एक और हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को लेके बैलेंस हो गया, एक और चार हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन जो है इस इलेक्ट्रॉन को लेके बैलेंस हो गया। तो अब देखो ध्यान से, तो अब नाइट्रोजन के पास दो चार पाँच छः सात आठ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है ना, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, एक दो तीन चार नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए, तो नाइट्रोजन के देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है आठ, यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, ये शेयरिंग हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, यानी वन प्लस इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो प्लस में, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो रहा है यानी एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, एक इलेक्ट्रॉन मुझे लूज करना है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है तो वन प्लस है ना, अगर हमें रिक्वायर्ड हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए तो माइनस में लेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए अब भर चुका हूँ मैं, मुझे मेरे पास जो है वो भी ले लो तुम, यानी प्लस में रखेंगे, लॉस यानी प्लस, गेन करना है तो माइनस, ठीक है। तो इसीलिए NH4 की जो वैलेंसी है प्लस वन आती है, ठीक है। आई होप यार ये जो वैलेंसी अपोलो एटॉमिक का मैंने आपको सिस्टम बताया आप बड़ी आसानी से, अब बाकी का जो केमिकल फॉर्मूला जो हमारे बचे हुए थे इनको आप बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो NO3 की वैलेंसी 1 माइनस कैसे आया बता चुका हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बन गया NaNO3 है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी निकालना सिखा दिया, 1 माइनस पुट करो आंसर आ गया। अब पॉलीटॉमिक आयंस जो होते हैं उनको ब्रैकेट में रखना है तो OH2 देखो इस तरीके से ब्रैकेट में रखा गया है, उसी तरीके से देखो ये कार्बोनेट का, तो कार्बोनेट का निकाल लो वैलेंसी 2 माइनस आएगा, इस शेयर कर लो तो ये आ जाएगा क्या, क्योंकि कार्बोनेट 3 इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर, 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया है, है ना। यहाँ पे देखो सल्फेट, यहाँ पे ये अमोनियम सल्फेट, ये दोनों पॉलीटॉमिक, ये दोनों पॉलीटॉमिक है, ये भी पॉलीटॉमिक आया ना, ये भी पॉलीटॉमिक आया ना, इस पॉलीटॉमिक का वैलेंसी प्लस 1 आएगा, निकाल लेना जैसे बताया, इसका भी -2 शेयर कर लेना तो ये आपका बन जाएगा। तो ये था तरीका पॉलीटॉमिक आयंस के वैलेंसी निकालने का। आई होप यार ये केमिकल फॉर्मूला वाला लेक्चर आपको काफ़ी पसंद और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी परसों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।